महफिले कव्वाली शुरू करने से पहले अपना रंग जमाते हैं। गौर से सुनना अपने इस कुंडे के बारे में, उस्ताद लिम्बाचिया क्या फरमाते हैं। मेहरबान कदरदान, इस शो में वो जोड़ी भी है जिन्होंने स्टार्ट किए हैं न्यू ट्रेंड्स। एक दूसरे पर से नजरें हटती नहीं, पर कहते हैं वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। खवातीनों और सवातीनों हजरात, खूबसूरत है अदाएं जिनकी, खतरनाक उतने ही है तेवर। वो होंगी जो सीजनल आइसक्रीम्स होंगी, अपनी नेहा तो लाइफ टाइम हिट है फ्लेवर। आज घर में शमा जला कर देखिए हमारा ये शाम ए कव्वाली। और महफिल की शमा जलाने आ रही है यूनिकनेस से पैक्ड भारतीय संगीत की धरोहर ऋचा शर्मा। पहले तो बच्चों को बहुत सारा प्यार, इतना जबरदस्त गा रहे हैं और उनके साथ कैप्टन्स इतने कमाल के, सायली, अरुणिता, पवनदीप, सलमान, दानिश, दे आर लाइक ब्रिलियंट। और फिर ये हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सुपरस्टार हमारी नेहा, क्या कॉम्बिनेशन है। मैम अब आप अपनी जगह ले लीजिए, वहाँ बच्चे बहुत एक्साइटेड है और हम भी एक्साइटेड है। आप प्लीज अपने सिंहासन मुझे इनके साथ बिठाते हो, मुझे डर लग रहा है कि ये मेरे से कोई तान वान ना लगवा दे। पक्का कोई रैगिंग नहीं करोगे ना मेरी? फिर मैं मिल के आती हूँ इनसे जरा। तो चलिए बुलाते हैं आज की पहली भूकंप को। बेटा आप दोनों को पता है ना क्या बोलना है आज? हाँ। बोल के दिखाओ एक बार। इस गली उस गली, इस डगर उस डगर, इस राह उस राह, इस शहर उस शहर। चुनाव में है किसकी लहर नहीं पता, पर हमारे यहाँ तो है खुशी की लहर। न माजी का गम न मुस्तकबिल की फिक्र, जिसकी पहचान है सुरों की सागर, खुशी नागर। वाह वाह बोलो, वाह वाह बोलो, वाह 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 वाह, यस। एक मिनट, आप होस्ट हो, कभी होस्ट को देखा है? कैसे है? ये इसका फ्रेंड है खुशी। अच्छा ये उसका फ्रेंड है खुशी। अच्छा मैं तो अभी आज ही आया इस शो में, मेरे को मालूम नहीं किसी का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे को होस्ट, थैंक यू सो मच। साउंड चेक कीजिए। ऐसे नहीं, साउंड चेक, साउंड चेक, साउंड चेक, साउंड चेक। जो बंदिशें थी जमाने की तोड़ आया हूँ मैं तेरे वास्ते, दुनिया को छोड़ आया हूँ, छोड़ निरगरे निरगा पगरे गनी धनी रे परे गरे सनी धनी रे गा पगा सानी पगरे निजनी रे गनी धब मध भम गरे सनी रे गरे निरगा पगरे गनी धनी रे सा आया तेरे दर पर दीवाना।
मुझे खुशी को देख के खुशी हो रही थी बिकॉज मैं देख रही थी कि एक अपना प्रतिबिंब जैसे अपनी छाया अपनी शैडो आज. लेकिन जब वो जो कुछ जगहें ले रही थी तो ऐसे लग रहा था कि मैं गा रही हूँ क्या. थैंक यू सो मच. अच्छा, इतना अच्छा और रम के रज के इस उम्र में इस लेवल का गाना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए. थैंक यू सो मच. आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड. सुपर जज नेहा, खुशी आपको पहले ही रिचा मैम ने बोल दिया कि वो अपने आप को आप में देखती हैं. कई बार आप जब गा रही थी तो ऐसा लगता था क्या मैं गा रही हूँ मैं गा रही हूँ. तो मुझे लगता है इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता. और जेन्युइनली ऑब्वियसली मैं ये बात बोलती हूँ अच्छी नहीं लगती हूँ कि आप में मैम मुझे सुनाई दी, क्योंकि ऑब्वियसली वो लेजेंड है. वो खुद से कहें तो बेटर रहेगा. आप का माल हो, आपको भी नहीं पता आप क्या. थैंक यू सो मच. सुपर खुशी, आपने भूखा मचा दिया. मुझे वोट करने के लिए डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लेव ऐप. वोटिंग लाइंस खुली हुई हैं आज रात 12 बजे तक, सो प्लीज वोट नाउ. आज तो भगवान से जो भी मांगते मिल जाता. इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही है जवान भारत की धड़क. गुंजन सक्सेना और बवाल जैसी फिल्मों में बेमिसाल एक्टिंग करके आपका दिल जीत चुकी, हुनर और हुस्न से भरपूर जानवी कपूर. देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू नमस्ते कैसे आप. वाह वाह, दिल जानिए मैं तेरा ही. पर जोरदार तालियों से जानवी के लिए. हमारे जो बच्चे हैं वो आपके बहुत बड़े फैन हैं. मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ. जिस तरह से इनको सपोर्ट मिल रहा है, नेहा मैम का, उनकी पूरी फैमिली का, आई थिंक इट्स वेरी इंस्पिरेशनल. हमारे फिल्म में हम ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि कई बार एक सपने को सच्चाई में बदलने के लिए एक नहीं दो लोगों की जरूरत पड़ती है. जैसे कि यहाँ मेंटर्स की जरूरत पड़ती है. और मैं इतनी खुश हूँ यहाँ इनके फैमिलीज को देखकर. इतनी अच्छी तरह से आप अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है. इतना प्यारा बोलती हैं आप. सच्ची सच्ची ऐसा लगता सुनते रहे. कवाली स्पेशल थोड़ा अगले हफ्ते कर दे, इस हफ्ते खाली जानवी को सुनते हैं. प्लीज आप बैठ कर इंजॉय करिए हमारा शो. थैंक यू सो मच. पूरे भारत में मशहूर शर्मा जी का आदर्श बेटा इस बार बख्शी जी के घर पैदा हुआ है. वाह करो यार. तभी तो गुड़िया जी ही नहीं, देश की करोड़ों माओ का दिल छुआ है. जिनको पसंद करते हैं विश्व के सभी मनुष्य पशु और पक्षी. प्लीज वेलकम अथर्व बख्शी. पर्दा नशी को भी
बैकस्टेज पे हम सब खो गए थे। जानवी आपकी तरफ किसी हंसी की तरफ गुलाब देखूंगा लाइन थी, आपने इतने रिस्पेक्ट से गुलाब चढ़ाया है और इतनी रिस्पेक्ट से मेरा जो डिसरिस्पेक्ट किया ना इसने ऐसे लगा कि ये ले तेरे को नहीं दे रहा। नहीं मैम, इतनी खूबसूरत गुलाब हम दोनों के लिए था, ये नहीं हो सकता। मैं सच्चाई जानती हूँ, मत करो ऐसा। बट वो इतना क्यूट था जब, और ऐसे ऐसे फेंक दिया कि ये डर भी रहा कि मैं जा भी नहीं सकता हूँ, पर ले लो जानवी, ये आपके लिए। एक्साइटेड सुबह से है भैया, भैया भैया जानवी कपूर आ रही है, भैया जानवी कपूर आ रही है। मैं कहा हाँ हाँ आ गई। अरे मैं कितनी एक्साइटेड थी क्योंकि जब आपने कुछ दिन पहले वो अग्निपथ का गाना गाया था, आई प्रॉमिस घर पे वो आपका सेगमेंट देख के हमारे आंखों में आंसू आ गए थे सच में। अथर्वा एक रिक्वेस्ट है, एक फरमाइश है आपके फैन की तरफ से, आप धड़क गाएंगे मेरे लिए? क्या बात है, मर हमेशा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा, तू घटा है बुहार की मैं घड़ी इंतजार की, इतना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है तेरे नाम की कोई धड़क है ना। थैंक यू। मैं आपको आके ये रोज दे दूं। आप बहुत स्पेशल हो। थैंक यू। आप भी हर्ष, आप इतने खुश मत हो, रोज आपको नहीं मिला, हमारे बच्चे को मिला है, हमें ही मिला है। थैंक यू बेटा। अथर्वा ने भूकंप मचा दिया। अरिजीत सिंह के बाद म्यूजिक वर्ल्ड के लिए सबसे शुभ समाचार, शुभ सूत्रधार, और उनके साथ वो जो ऐसा फेस बना के बैठती है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, इधर क्या हो रहा है, कौन है वो? अरुणिता कांजला। अरुणिता कांजला, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है एक इंसान की तरफ से जो कि मेरे मेंटर रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि वो आपको एक मैसेज दे सकते हैं। शुभ शुभ शुभ, हाउ आर यू? सॉरी मैं न्यूयॉर्क में हूँ और इसलिए मैं पर्सनली आप सबके साथ नहीं हो सका। मैं बहुत बहुत बड़ा फैन आपकी शो का हूँ और शुभ मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जिस तरह आपने रेकमलिया गाना गाया है ना, आपने वाकई मेरा दिल जीत लिया है।
और जानवी लॉट्स ऑफ लव टू यू और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार. आई होप यू ऑल किल इट, रॉक इट एंड रोल इट. और अभी के लिए अलविदा कहना तो बिल्कुल बनता है कि कभी अलविदा ना कहना. आप अगर उन्हें कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो रिकॉर्ड मैसेज कर सकती हूँ और उन्हें भेज सकती हूँ. कुछ बोलना चाहते हैं आप उनसे? हाँ बिल्कुल. तो मैं रिकॉर्ड करूँ? ठीक. रोलिंग एंड एक्शन. थैंक यू सो मच करण सर, आपने मेरे गाने को पसंद किया और आपने अपने स्टोरी में शेयर किया मेरा गाना. और सर मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपसे काम नहीं मांगूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरा गाना लाइव सुने और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे फीडबैक दे और मैं आपको लाइव गाना सुनाना चाहता हूँ और हम सब आपसे मिलना चाहते हैं. तो सर आप प्लीज़ जल्दी आ जाओ हमारे शो में. वी ऑल लव यू सर. क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू सो मच जानवी. आज आपकी बदौलत शुभ को मौका मिला करण जौहर से फेस टू फेस वीडियो के थ्रू बात करने का. एक बार जोरदार ताली हो जाए जानवी के लिए. थैंक यू. वाह. घम वाला चरखा दिया पूनिया है मैं जो जो कती जवानी होने पैया दूरिया कत सकनी
सच बता रहा हूँ, मेरा बेटा होता तो मैं भी स्टेज पर आके इतना ही चूमता। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे आर्यन मैन के लिए। और जो सलमान अली होना चाहिए आपका नाम। क्या बात है यार, क्या बात है जानवी, क्या कहेंगी आप? मुझे सिंगिंग की टेक्निकलिटीज का ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि कवाली रूह से गाया जाता है और एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कलाकार की आवाज में जो फीलिंग होती है ना, इतनी कम उम्र में आपने वो फीलिंग लाया है तो वो सुन के मैं दंग रह गई हूँ। सच में भगवान का हाथ आपके सर पर है। थैंक यू। सुपर जज नेहा। आर्यन एक ऐसा सिंगर है जो मुझे परेशान कर देता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। अरे भाई थम जा, ये कहाँ कहाँ जाता है, ये जहाँ से आता है और ये ऐसा गाता है, मुझे नहीं लगता इसने ट्रेनिंग भी ली होगी। चमत्कार है। आप दोनों ने मिलकर तो मतलब दिल से बोल रही हूँ, भूखा मचा दिया। ये देखो टोपी कैसे पहन ली इसने, ये टेढ़ा कव्वाल है। रिचा मैम, आपका जो गाना है सजदा, वो इस मंच पर और हिंदुस्तान के आई थिंक सभी मंच पर ये गाना बजा है, पर आज हम कव्वाली स्पेशल कर रहे हैं और इतने गुणी सिंगर है साथ में, तो अगर आपका गाना आपके साथ, मेरे तो नसीब जाग जाएंगे सलमान जी के साथ गाने के। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे छिन गए जब से देखे नैन तिहारे सजदा। तेज दौड़ू सपनों से आगे, अब जान उठ जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजना तेरा सजना तेरा सजना, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं, तेरा सजना तेरा सजना, दिन रैन करूं संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजना तेरा सजना तेरा सजना, दिन रहन करूं ना ही चैन करूं, सजना तेरा सजना तेरा सजना, लखवार करूं मेरी जान करूं। थैंक यू। एक बार ऋचा दीदी के लिए खड़े होकर जोरदार तालियां बजाओ भाई, जोरदार ताली होनी चाहिए। मुझे वोट करने के लिए डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप। वोटिंग लाइंस खुली हैं आज रात 12 बजे तक, सो प्लीज वोट नाउ। कोई नहीं मानता जब करोड़ों लफ्जों में मैं कहता हूँ मैं स्मार्ट हूँ, सुंदर हूँ, सटीक हूँ। जब करोड़ों लफ्जों में मैं कहता हूं मैं स्मार्ट हूं, सुंदर हूं, सटीक हूं, पर पूरी दुनिया बीत जाती है भावनाओं से जब महज 3 लफ्ज ही कहती है मैं ठीक हूं।
भगवान पूरी कर दे जिनके हिंदी सीखने की प्रक्रिया देवी उर्फ देवनश्रिया और साथ में बरसों से जो मच्छर के सामने भी चुप था पर आज है श्रेया घोषाल का फेवरेट निशांत गुप्ता और दोनों के साथ आ रहे हैं वो सलमान को जो करना चाहते हैं फिनिश प्लीज वेलकम दानिश जवानी पर तिराने वाले कल पछताएगा आज जवानी पर तिराने वाले कल पछताएगा आज जवानी पर तिराने वाले कल पछताएगा चढ़ता सूरज धीरे धीरे चढ़ता सूरज धीरे धीरे चढ़ता सूरज धीरे धीरे बारे
ये सच में चमत्कार, जादू, मैजिक, मेडिटेशन अलग दुनिया में ले गए, परमात्मा से मिला दिया, ये सारे शब्द हमारे खत्म हो गए उसके बाद ये परफॉर्मेंस आई है। मैम क्या कहेंगी इस परफॉर्मेंस के बारे में? आपने अभी खुद ही बोला कि सारे शब्द खत्म हो गए हैं। ये जो परफॉर्मेंस हुई है गायकी के साथ, जो स्पेशली जो आपने अंत करवाया है, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुली उसको आपने सूरज को ढलते हुए भी उगा दिया। थैंक यू मैम। सुपर जज ने दानिश, ऐसा शेर है ये लड़का, मतलब पूरी परफॉर्मेंस में आपने अपने दोनों बच्चों को शाइन करने दिया, वो बात बहुत प्यारी लगी आपकी दानिश। एंड हमारे दोनों बच्चे, इनको पता भी नहीं होगा इस गाने का क्या मतलब है, बट फिर भी इतना अच्छा गा रहे थे, इतने अच्छे से, और बहुत अलग अलग इन्होंने वेरिएशंस ली जो कि बहुत प्यारी साउंड कर रही थी। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। चलिए तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए टीम दानिश के लिए। आप लोगों की एक्सपर्ट ट्रेनिंग का नतीजा एक्चुअली मेरी फिल्म मिस्टर मिसेस माही में दिखा है। एक बहुत ही स्पेशल गाना एक बहुत ही स्पेशल इंसान ने गाया है जो कि इसी शो का विनर रह चुका है। देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए मैं तेरा ही हो गया। हो तेरे अगे पीछे घूमे सोने, जदों तेरे हाथ चूमे सोने, मिठा मिठा जी हो गया, दिल जानिए आए मैनू की हो गया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.